नमस्कार, सभी देशवासियों को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक अध्यापक हूं और डेली योगा प्रैक्टिस करता हूं। पढ़ाने के साथ साथ मैं अपने विद्यार्थियों को योगा के लिए भी प्रेरित करता हूं। तो आइए देखते हैं कुछ आसन और प्राणायाम। तो सर्वप्रथम हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभदायक है। हम देखेंगे उत्तानपाद आसन। यह भी पेट के विकार के लिए काफ़ी अच्छा है और जो हमारे पेट में यदि कोई परेशानी रहती है तो इससे काफ़ी हमें लाभ मिलता है। योगा से हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन में भी काफ़ी इजाफा होता है और यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम देखेंगे अनुलोम विलोम। यह श्वास प्रक्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर्वप्रथम बाएं नाक की नासिका को बंद करते हैं और दाएं नाक की नासिका से श्वास भरते हैं, जिसके पश्चात दाएं नाक की नासिका को बंद करते हैं और बाएं नाक से श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो इसे हम कई बार दोहराते हैं और अनुलोम विलोम के कई सारे लाभ हैं और इसको हमें नित्य करना चाहिए। इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है वो है हमारे इम्यूनिटी और हमारी फिटनेस। तो इसके लिए योगा को नित्य डेली लाइफ में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें इस स्थिति में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए हमें एक मुद्रा है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और यह मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। तो इसमें हमें ध्यान लगाते हैं तो इस तरह की पोजीशन रहती है, पद्मासन में बैठते हैं। उसके बाद जो हमारी अंगूठा है वह इंडेक्स फिंगर के संपर्क में रहती है और ओम ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह आसन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको कई सारे लाभ भी मिलेंगे। धन्यवाद।